हे गाइस, वेलकम ऑन माय स्टडी दोष यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो हिस्ट्री के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमारी जो सीरीज चल रही है, उसमें आज हम बात करेंगे सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में, और इससे आगे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा गाइज, आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिल रहा है उसे ज्वाइन कीजिए। उससे ज्वाइन नहीं हो पा रहा है तो आप प्ले स्टोर में जाइए, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, उस पर रजिस्टर करने के बाद माय स्टडी दोस्त सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पे ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है ना, जो पश्चिमी शिक्षा थी उसका स्टार्टिंग किसने किया था? वो थे स्वतंत्रता सेनानी राजा राम मोहन राय। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो वो भी थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है आपके पास में, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये है आपके पास में मैडम ब्लावेट्स्की। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये है सर विलियम जोन्स। ठीक है, सर विलियम जोन्स, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास में है कि शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो ये है बाल विवाह से। अगला सवाल, वाही आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम को परिशुद्ध करना। ठीक है, वाही आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, इस्लाम को परिशुद्ध करना। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो बम्बई में, जो फिलहाल में मुंबई है वो बम्बई था पहले। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये भी हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो वो स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पे है 10th नंबर क्वेश्चन, याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद सरस्वती। उसके बाद है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो 1835 में बनाया गया था। नेक्स्ट है, बुनियादी शिक्षा का विचार जो है सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो वो हो जाएगा आपके पास में महात्मा गांधी। जिन्होंने बुनियादी शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया था वो थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। और इससे अलावा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो वो था सती प्रथा। ठीक है, इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध जो है आंदोलन चलाया था राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो वो था ब्रह्म समाज। ठीक है, उसके बाद देखिए, सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो ज्योतिबा फुले। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास में वो है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो वो है पंडिता रमाबाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था? ठीक है, तो राजा राम मोहन राय, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये अलग तरीके से थोड़ा सा पूछा गया, बाकी क्वेश्चन का आंसर यही है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना गया है? तो ये भी है राजा राम मोहन राय। तो देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे रिलेटेड बन रहे हैं। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? तो वो थी आत्मीय सभा। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो वह है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। आगे जो क्वेश्चन है वो है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो वो है 1828 में। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदू हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, वो थे स्वामी विवेकानंद। तो अब विवेकानंद जी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो है आ रहे हैं वो है, नेक्स्ट है, विवेकानंद के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था, तो वो 1893 ईस्वी में लिया गया था। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और ये आंसर इसका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेदों की ओर चलो,
ये किसने कहा था? ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती, मार्टिन लूथर, ठीक है। उसके बाद देखिए, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने लायक है। तो वैसे तो ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको कम से कम इतने तो ध्यान ही रखने, नहीं तो आपके कोई नंबर आने के चांस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट आपके लिए है कि किसने कहा था कि अच्छा शासक शासन जो है स्वशासन का स्थापना है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये कहा था स्वामी दयानंद। अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना है, तो ये आपको कहा था स्वामी दयानंद ने। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? तो किया और हिंदी राष्ट्रभाषा माना था, वो भी स्वामी दयानंद थे। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो एम जी रानोर, ठीक है। उसके बाद देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा, किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये कुछ हमने क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट किए हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश गवर्नर्स के बारे में, तो आइए देखते हैं इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला जो सवाल यहाँ पे बन रहा है वह है कि वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी जो है हत्या भारत में हुई थी? तो वो थे लॉर्ड मेयो। उसके अलावा नेक्स्ट है, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो वो है लॉर्ड कैनिन। अगला सवाल, कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? तो वो है मैकाले, प्रारंभ इन्होंने की थी, लेकिन इसका जो है माध्यम बनाने का निर्णय लिया था विलियम बेंटिक ने। आगे देखिए, नेक्स्ट है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी? तो वो है लॉर्ड हार्डी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, कोलकाता से दिल्ली, ये वायसराय का नाम पूछा है लॉर्ड हार्डी, क्योंकि ये वायसराय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राज गोपालाचारी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रयताव प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो वो था थॉमस मन, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत में किस गौटी जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? ठीक है, तो ये है वॉरेन हेस्टिंग, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वॉरेन हेस्टिंग पे जो है चलाया गया था हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा। अगला सवाल, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिन, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिन था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिन, ठीक है, क्राउन के अधीन पूछा है, तो ये आ जाएगा लॉर्ड कैनिन। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ था? तो वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, तो यहाँ पे है आंसर लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद है, भारत का अंतिम वायसराय, तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो माउंटबेटन योजना के तहत ही हमें आज़ादी मिली थी, तो वो अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। उसके अलावा नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? तो लॉर्ड रिपन को कहा गया है। अगला सवाल, भारत में पहली बार सन 1853 ईस्वी में किस स्थान पर रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? बम्बई से ठाणे रेल प्रारंभ की गई थी, सन भी याद रखना है आपको, 1853 ईस्वी में पहली बार जो है अंग्रेजों ने ही स्टार्ट की थी बम्बई से ठाणे तक रेल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपके पास में लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास में, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो ये है लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधि। अगला सवाल, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस नीति से हुआ था? तो कुशासन के कारण हुआ था।
उसके बाद सती प्रथा पर पाबंद किसने लगाया था? विलियम बेंटिक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला सवाल, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड कैनिन। ठीक है, तो ये याद रखेगा, सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक, और विधवा का जो है पुनर्विवाह कराने के लिए लॉर्ड कैनिन ने क्रियान्वयन किया था। आगे देखिए, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था, तो वो था इलाहाबाद। कहाँ पे सुनाया गया था? इलाहाबाद में। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या जनगणना करवाई थी? ये भी लॉर्ड मेयो है, तो ये आपको याद रख लेना, 1872 में करवाया गया था लॉर्ड मेयो के द्वारा। उसके अलावा, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई थी लॉर्ड कर्जन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने ये नीति अपनाई थी, फूट डालो और राज करो। ठीक है, तो गाइज ये तो कुछ क्वेश्चन आपके। अब अगले जो वीडियो होगा उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम बात करेंगे, और लास्ट वीडियो अब शायद हो सकता है अगला वीडियो आपके लिए हो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का वो होगा हिस्ट्री के लिए, फिर हम बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और गाइस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।